In this class, we will solve the problems related to the construction of class 6 maths. Okay. So I am watching that there is a question related to the drawing angles. Angle protractor की help से कैसे हम लोग बनाएं, ये चीज दिया हुआ है. तो we know it very well. सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटा ये देखिए चैप्टर 14 कंस्ट्रक्शन. तो एंगल ड्रा करना तो हम सबको आता है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से. देयर इज एनीवन हु इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू ड्रा एनी एंगल? नो सर. ठीक, तो ऐसा करिए कि अब कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, वी विल ड्रा इट. ठीक है, आपको ड्रा करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से. तो वी विल कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पेज, दिस वर्क. लेट अस डू सम कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो पहले अभी प्रोटेक्टर से ही हम सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंपास के थ्रू भी बनाना सीखेंगे. तो चलिए, तो ये एंगल्स को ड्रा करिए. तो भाई मैं नोट कर रहा हूं और प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रा कीजिए. Let's start to do. तो सबसे पहला एंगल है क्वेश्चन पेज नंबर 8. इट इज गिवन इन योर बुक. यस, इट इज गिवन इन योर बुक. यस सर. यस सर. हाँ ठीक. देन Let's draw angle A is equal to PQR is equal to 100. No, sorry, 30 degree. Let's draw this angle. Everyone, try to draw with the help of protractor. तो चलिए मैं एक पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं. कि जब भी हमको एंगल ड्रा करना होता है तो हम सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रा करते हैं. बेटा दिस विल बी द बेस लाइन. अब देखिए क्यू सेंटर में है मेन में, यानी क्यू इज द वर्टेक्स जहां पर एंगल बन रहा होगा. तो यहां पर एक एंड पर नाम दे दिए क्यू और एक एंड पर नाम दे दिए आर. ओके, अब क्यू और आर हमारे के बाहर. अब ये देखिए मेरा प्रोटेक्टर है. ठीक है, ये मेरा स्केल था और ये मेरा प्रोटेक्टर. तो आप अपने प्रोटेक्टर में ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें जीरो इस साइड से भी स्टार्ट किया गया है और जीरो इस साइड से भी स्टार्ट किया गया है. ठीक, तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम इस साइड का जीरो या किस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें. तो इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन रहता है. जिसको क्लियर है बहुत अच्छी बात, अगर कोई ऐसा है जिसको कोई कंफ्यूजन है तो आज समझ ले वो स्टूडेंट. देखिए इस लाइन के दो एंड्स हैं, टू एंड्स. तो मान लीजिए मैं क्यू एंड पर अपना प्रोटेक्टर रख रहा हूँ. प्रोटेक्टर में देखिए एक सेंटर लाइन होती है. इस सेंटर लाइन को इस क्यू पॉइंट पर हमने बंद कर दिया और इससे इसकी लाइन को बिल्कुल सीधा सीधा ओवरलैप कर लिया. देखिए पूरा पूरा ढक गया ये लाइन. अब ध्यान क्या रखना है कि दो एंड थे इस लाइन पे, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट. अगर आप क्यू पॉइंट पर बना रहे हैं, क्यू पॉइंट पर बना रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर बना रहे हैं उसकी तरफ वाले जीरो से नहीं काउंट करेंगे. नो, जिस पर नहीं बना रहे हैं उसकी तरफ वाले जीरो से काउंट करेंगे. जीरो, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, और थर्टी के सामने यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. अब क्यू को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे. दिस विल बी द 30 डिग्री और इसका नाम क्या दे देंगे, पी. ये हमारा पी क्यू आर एंगल तैयार हो गया 30 डिग्री का. अब इसी को थोड़ा इस तरफ से देखते हैं
You are. Same line. फिर से सारा प्रोसेस वही करेंगे. सेंटर पॉइंट को अब इस बार आर पर मैं बनाना चाह रहा हूं. क्यू इंट पर नहीं बना रहे हैं, आर इंट पर बना रहे हैं. तो आर पर मैं इसको रखूं ऐसे सेंटर. ठीक. अब देखिए जब सब कुछ सही सही रख लिए, सेंटर पॉइंट रख लिए, लाइन मैच हो गई, तो अब आर के आगे वाले आर की तरफ वाले से नहीं काउंट करेंगे. क्यू की तरफ भी जीरो है. इसका जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी यहां भर. अक्सर स्टूडेंट इस मिस्टेक को करते हैं बड़ी क्लास के लिए आने के बाद. तो आप ये बन गया थर्टी डिग्री. लेकिन लेकिन ये आपको सिखाने के लिए मैंने बनाया. ठीक. असली आंसर हम लोग का यही है. क्यों? क्योंकि एंगल कहां बनना चाहिए था? क्यू वर्टेक्स पर. तो क्यू पर एंगल यहां बन रहा है. यहां का एंगल किस पर बन रहा है? यस आर पे सर. आर पर सर. आर पे आर बीच में नहीं है. अगर ये आर बीच में रहता तो हम समझ जाते कि आर पर एंगल बनेगा. तो क्या मैं ये समझूं कि ये दोनों चीज समझ में आ गई कि कब हमको प्रोट्रैक्टर में इस साइड से काउंट करना है और कब इस साइड से काउंट करना है? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. चलिए तो फिर एक एंगल है. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 67 डिग्री. इसको ड्रा करिए. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 67 डिग्री. सारा प्रोसेस वही है. सारा प्रोसेस वही है. तो चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं. अब देखिए नेम दे देते हैं कोई भी को. ये जो बीच में नाम में रहता है उसी पर एंगल बनता है. हम देख कर समझ जाएंगे कि बी पर एंगल बन रहा है. मान लीजिए मैं नाम इधर दे देता हूँ बी और इधर सी. एंगल इस वाले पॉइंट पर बनेगा. तो चलिए प्रोटेक्टर को रखते हैं सही से. बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर रख दिए बी के ठीक सेंटर पर. बी वर्टेक्स हो गया और इस लाइन को प्रोटेक्टर की बिल्कुल इस लाइन से मैच करा दें. अब एकदम सही सही मैच कराने के बाद अब देखिए किधर से काउंट करें भाई. बी के आगे से कि सी की तरफ से? सी की तरफ से. सी की तरफ से. अभी बताया गया कि इसके आगे वाले से नहीं काम करेंगे. जो एक छूट जाता है दो एक है ना बी और सी. तो अगर बी पर बना रहे हैं तो सी की तरफ से काउंट करेंगे. सी पर बना रहे हैं तो बी की तरफ से काउंट करेंगे. जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी. सिक्सटी तक काउंट करिए. बीच में ये लाइन है 65 और इसके आगे दो छोटे पॉइंट्स और this point will be the 67. अब स्केल से इसको ब्रैकेट मिला. ये एंगल हमारा बन गया 67 डिग्री. इज इट क्लियर? यस यस सर. यस सर. यस सर. अब और थोड़ा सा कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रैक कर लेते हैं. एंगल DEF इज इक्वल टू 175. कोई ट्रैक किया है? मैं वीडियो अलाउ कर रहा हूं. सो मी पहले देख तो लिया जाए भाई और कोई किया कि नहीं. यस सो मी. और ये कोई है वहां से दिखा रहे जी. तन्मय सो योर कॉपी. वेरी गुड वेरी गुड तन्मय. बहुत अच्छे. ये आप ह्यूज एंगल वाला आप ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं क्या? ये कौन सा है? सेकेंड वाला दिखाइए तो 67.
यस सर। तब तो ये गलत हो गया ना बेटे। चलिए हम बताते हैं क्या मिस्टेक हुआ। एक मिनट, व्हाट इज द मिस्टेक डन बाय यू, आई एम गोइंग टू टेल यू। आपने क्या किया है, ये सी, चलिए आपने यहाँ बी रखा है नाम का, लग रहा है इन्होंने बी नेम इधर दे दिया है। यस सर। एक मिनट और कोई शो कर रहा है अपनी कॉपी, नहीं तन्मय, तन्मय ये और कोई शो कर रहा है नहीं। चलिए अभी अभी वेट करिए थोड़ा, एक बार एक मिस्टेक जो मिली है पहले उसे रेक्टिफाई कर देते हैं। देखिए बेटा आपने क्या किया तन्मय, आपने बी नेम इधर लिखा है शायद, इसलिए आप एंगल इस पर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मिस्टेक क्या हुई है, इस एरो को तो हम सेंटर पॉइंट पर रखेंगे, सेंटर पॉइंट पर हमने एरो रख दिया, ठीक। अब हमें बी पर रखे तो हमको सी की तरफ से काउंट करना चाहिए था, 0, 10, 20, 30, लेकिन शायद आपने इधर से काउंट कर लिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 और उसके आगे को पॉइंट। तो ये देखिए अब इसको मिला दिए तो आपका एंगल कुछ ऐसा बन गया, आपने इसको बना दिया 67 डिग्री, ऐसा ही कुछ हुआ है तन्मय? यस सर। हाँ ठीक। अब देखिए बेटा एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दूं ऐसे, ये डॉटेड लाइन ड्रा कर दूं, तो एक मिनट ये थोड़ा सा सीधा सर, एक मिनट कई लोग समझ गए हैं मिस्टेक कहां हुई है, अन्य भी अपना चुके हैं। अब ये बात बताइए यहां से यहां तक का अंतर कितना डिग्री होगा बेटा, अगर देख कर बताना रहे तो। डिग्री यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा, तो फिर बताइए यहां से यहां तक ये 67 डिग्री कैसे होगा, 67 तो 90 डिग्री से छोटा होता है ना। यस सर। तब यहां मिस्टेक हो गई, आपने गलत साइड से काउंट कर लिया जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई। आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पर हम बना रहे हैं उस पॉइंट के अपोजिट साइड जो पॉइंट होगा उधर के जीरो से काउंटिंग हम लोग प्रोटेक्टर पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एकदम सही सही आया, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूं वैसे ये, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा ये, इट विल बी 90 डिग्री। यस सर। तो 90 डिग्री ये वाला एंगल देखो छोटा है 67 डिग्री, तो ये आप सही है, दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? यस यस सर। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे अभी डाउट हो तुरंत पूछ ले बेटा, कोई भी स्टूडेंट जिसे थोड़ा सा भी डाउट है तुरंत पूछ ले, नहीं डॉक्टर, ओके लेट्स ड्रा नेक्स्ट फिगर, दिस वन इज डी, एंगल डीईएफ इज इक्वल टू 175 डिग्री, डीईएफ इज इक्वल टू 175 डिग्री। स्टार्ट टू ड्रा एवरीवन, अभी मैं वीडियो अलाउ करूंगा, सभी लोग दिखाइएगा मन में आएगा।
तो डी ई एफ मैंने बताया था नेम के बीच वाला जो लेटर होता है उसी पर एंगल बनता है, वही वर्टेक्स होता है। आपको एंगल नेम लिखाना लिखना सिखाया गया था, जैसे देखिए ए बी सी, ये एंगल बन रहा है। तो इस एंगल का अगर आपको नाम लिखना हो तो क्या नाम लिखेंगे? वर्टेक्स को बीच में लिख देते हैं, जहां एंगल बनता है उसको बीच में लिख देते हैं और बाकी दो लेटर्स को किनारे किनारे ए सी, या इसी को हम ऐसे लिख सकते थे बी बीच में सी ए, यानी जिस पर एंगल बनता है वो बीच में होता है। ठीक है, ठीक। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। इसका नेम हो गया ई, इसका नेम हो गया एफ। अब ई पर 175 डिग्री ड्रा करना है, तो पहले तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे। सर आप दोनों एफ लिखे हैं, दोनों एंड ना, ओह सॉरी दिस इज ई। चलिए पहले आप लोग शो करिए, फिर मैं अलाउ कर दूं पहले। हाँ, तो who will come first? कौन है जो सबसे पहले शो करना चाहता है? जी बताइए, परेशान मत होइए, गलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लर्न, हम लोग सीख रहे हैं, गलती होगी सीखेंगे भाई। यस अनिरुद्ध, सो योर कॉपी। नहीं, कौन है? राजवीर वांट्स टू शो हिज कॉपी। व्हाट इज गोइंग ऑन? अभी तक ड्रा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग बेटा? अपनी कॉपी शो कीजिए। यस अगेन तन्मय, ओके तन्मय, नाउ दिस टाइम यू आर राइट। बहुत अच्छे तन्मय का तो सही है भाई ड्राइंग, सही है। नेक्स्ट कौन है? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध वेरी गुड, अनिरुद्ध बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हु विल बी द नेक्स्ट वन? प्रदीप पांडे, वेरी गुड बेटा। आर्यन, आर्यन की कॉपी देख लेते हैं। वेरी गुड आर्यन, बट यूज पेंसिल टू ड्रा द एंगल्स, वेरी गुड। देव, देव की कॉपी देखें, दिख नहीं रहा है भाई, और ऊपर करिए। ओ यस देव, आपने अगेन मिस्टेक किया, एंगल ई पर बनना है बेटा, ना कि एफ पर। आपने एफ पर बनाया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने गलती कर दिया। क्या सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने गलती किया, जबकि ई पर बनाना था एंगल, बीच में ई है, आपने एफ पर बना दिया। तो हमें नाम का भी ध्यान रखना है कि किस इंड पर बनाना है, ई वाले वर्टेक्स पर हमको एंगल बनाना है। चलिए देखिए, अब 175 बनाना है, तो सबसे पहले तो ई वाले इंड पर हमने इसका सेंटर पॉइंट कर दिया, प्रोट्रैक्टर का, इस लाइन को प्रोट्रैक्टर की लाइन से बिल्कुल कोइंसाइड कर दिए, बिल्कुल सही सही हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा था, जिस इंड पर बनाते हैं उधर से नहीं काउंट करते, दूसरे वाले इंड यानी एफ की तरफ से काउंट करेंगे, जीरो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, यहाँ तक आ गया, और इसके बाद ये 175 है। अब इस पॉइंट को ई से मिलाएंगे, इस पॉइंट को This will be our 175 degree, और इसका नाम यहां आ जाएगा D। ठीक है बेटा, जिन्होंने मिस्टेक किया था वो समझ गए क्या गलती हुई है? Yes sir। हाँ आरएस भी चाहते हैं अपनी कॉपी शो करना, देख लेते हैं थोड़ा इनकी कॉपी। आरएस 175 शो करिए।
हाँ ठीक है, लेकिन कुछ गलती हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ज्यादा एंगल बच रहा है। 175 के बाद हमारे पास 5 डिग्री ही बचना चाहिए था ना जगह, क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री बनते हैं, 180 डिग्री। तो अगर इस लाइन को बढ़ा दिया जाए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो बेटा केवल 5 डिग्री ही बचना चाहिए था ना, 5 डिग्री ही बचना चाहिए आप वाले फिगर में, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। हाँ ये वाला सही, वेरी गुड, बीच में जो है वेरी नाइस। चलिए आप लोग एंगल बहुत अच्छे से ड्रा कर ले रहे हैं, आई होप कि अब आप लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर, सुनिए अब सभी लोग आंसर मत दीजिएगा ना, आई विल आस्क फ्रॉम एवरीवन, और जिसने पूछे तो घबराएगा नहीं, परेशान होकर एग्जिट नहीं हो जाना है, आपको नहीं आएगा नो प्रॉब्लम, आपको सिखाने के लिए ही हम यहाँ पे आए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपने से दे रहा हूँ और जिससे पूछा जाएगा वो कोशिश करेगा बता देंगे, नहीं आएगा नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। अब क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड एक एंगल है जिसका वैल्यू है 125 डिग्री, सही। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको अपने से ड्रा करिए, इसे अपने से ड्रा करिए, सभी लोग कॉपी शो करिए, देन आई विल ड्रा, पूछने का काम भी हो जाएगा उसी में। ड्रा कीजिए सभी लोग, हो गया ओके, ठीक, ड्रा करके दिखाइए, हटाइए उसे प्रोटेक्टर को जी, 125। अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मत दिखाइए बेटा, जो क्वेश्चन की अभी बात हो रही है मैंने जो वर्क दिया इससे आप ड्रा करके शो करिए, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन मत दिखाइए, अभी सबको सोचने तो दीजिए। सर मेरा उससे पहले वाला करेक्ट 175 है, 175 है, हो गया सर। नहीं नहीं ठीक है बेटा, हमने नीचे का देख लिया था, कोई और एंगल था मुझे लगा, इसलिए 143 या कोई और था, दैट्स व्हाई, बाद में मैं देखा समझ गया। हां तन्मय हैव यू डन, ओके चलिए तन्मय ने बना दिया, अभी नहीं मैं बोलूंगा सही है कि गलत, अभी और लोग अपने अपने एंगल्स शो करें। चलिए सभी लोग शो करिए भाई, ठीक, देव शो कर रहे हैं अपनी कॉपी। हाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सही है या गलत, अब देव सोचे और तन्मय अभी सोचे, ये इनकी कॉपी को देख लेते हैं, ठीक वेरी गुड, इनकी कॉपी को भी शो कर दीजिए, वेरी गुड, और कौन है, अनिरुद्ध भी ट्राई कर रहे हैं, तो अनिरुद्ध जी की कॉपी लग रहा है अभी कुछ मिस्टेक कर दी है, रिया वांट्स टू शो हर कॉपी, अभी दिख नहीं रहा पिक्चर, रिया शो करो, मोबाइल दूर रखिए, कॉपी नीचे रखकर, ठीक है अभी रिया जब तक आती है, देव देव पांडे जी के आईडी से देखें, 125 हम लोग को नहीं दिख रहा है, आप नहीं ड्रा किए हैं, आप केवल बुक का अभी किए हैं, मैंने दिया 125, ठीक है चलिए, और लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं लग रहा है। समृद्धि सो योर कॉपी, रिया सो योर कॉपी, हाँ रिया ने कर दिया, आर्यांश की कॉपी देख लेते हैं, ठीक है वेरी गुड, समृद्धि सो मी योर कॉपी आल्सो, समृद्धि जी की कॉपी भी देख लेते हैं, ठीक है, और किसी की कॉपी अब जान, चलिए एक लोग और ट्राई कर रहे हैं क्या, तन्मय की होगी, आरसी की कॉपी देख लेते हैं,
आरजी जी की भी कॉपी सही है। ठीक ठीक है बेटा, अब देखिए इतने देखा मैंने एंगल, उसमें दो तीन लोगों ने अभी भी मिस्टेक किया, ठीक है। अब जिन लोगों ने मिस्टेक किया है अब वो लोग समझे कि क्या गलती है। हमने कहा कि एक्स वाई जेड एंगल क्या वैल्यू है 125 डिग्री। तो भाई सबसे पहले हम एक लाइन का करते हैं जिसका नाम हमको देना पड़ता है वर्टेक्स के हिसाब से जहां एंगल बन रहा है। तो कोई मैं पूछ रहा हूं जिनसे वो बताएं जरा मुझे, आयुसी बेटा आयुसी परेशान नहीं होना है, आएगा तो बताइए, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा सर। ठीक, ओनली आयुसी विल स्पीक, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ किसी किसी का माइक अनम्यूट है। आयुसी बेटा ये बताइए कि एंगल किस एंगल जो है किस उस पर बनेगा वर्टेक्स पर, एक्स पर बनेगा कि वाई पर बनेगा कि जेड पर बनेगा, एंगल किस वाले लेटर पे हम ड्रा करें। यस आयुसी नहीं आ रहा तो बोल दो कि नहीं आ रहा है सर, परेशान नहीं होना। आयुसी वी आर वेटिंग। चलिए अच्छा आयुसी सुनिएगा ध्यान से, प्रतीक आप बताइए बेटा। सर हाँ किस वर्टेक्स पर बनेगा सर? वाई। वाई वर्टेक्स पर क्यों बनेगा ये भी बताइए सर, क्योंकि वाई बीच में है एक्स और जेड के। वेरी गुड, क्योंकि जो बीच में लेटर रहता है उसी पर हम एंगल का नाम लिखते हैं ना, तो वाई यहाँ करती है और एक जेड इधर करती है, हो गया। अब एंगल ड्रा करने का तरीका हम लोग जानते हैं कि जब हमको वाई वाले पर एंगल ड्रा करना है तो वाई पर इसको फिक्स कर दे सेंटर पॉइंट को और इसकी लाइन को कौन साइड कर दे जो लाइन प्रोजेक्टर पे दी। तो मैंने कहा था कि जिस एंड पर इसको रखते हैं वहां से नहीं काम करते, दूसरे वाले एंड की तरफ से काम करते हैं। तो दूसरा वाला एंड है जेड, तो जेड की तरफ से काउंट करें यानी इधर से काउंट करें तो जीरो से काउंट करेंगे, हमेशा याद रखिए जीरो से काउंट करेंगे, जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी हंड्रेड वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड ट्वेंटी और वन हंड्रेड थर्टी आ गया। तो ट्वेंटी और थर्टी के बीच में यहाँ पर है 25। अब वाई से इस पॉइंट को ज्वाइन कर ये वाला एंगल बन गया इनका हमारा 125 डिग्री, इसका नाम हो गया एक्स। अभी तो क्लियर हुआ, जिन लोगों ने मिस्टेक किया था उनको अब क्लियर हो गया। यस, जो भी बच्चे गलती किए थे या सबको क्लियर हो गया ना, अब ये मिस्टेक नहीं होगी। नो सर। वेरी गुड, शुक्रिया। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बाकी के एंगल्स आपको ड्रा करने हैं जो भी छूट गए हैं, इसमें हम लोगों ने दो तीन किया है, दो तीन बच गया है। अगला है क्वेश्चन, ड्रा एन एंगल एबीसी ऑफ मेजर 105 डिग्री, टेक ए पॉइंट डी इन इट्स इंटीरियर। एक एंगल हम 105 डिग्री का बनाएंगे और उसके बीच में कहीं एक पॉइंट डी लेंगे और फिर बी से बी पर ही 105 डिग्री बन रहा है तो बी से डी को ज्वाइन करेंगे। फिर हमको वेरीफाई करना है कि दोनों जो हाफ एंगल हो गए, या अभी चलिए अच्छा पहले इतना काम करते हैं 105 डिग्री बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
105 डिग्री बनाइए भाई सभी अपने अपने कॉपी पर। नेम है ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। सभी लोग याद कीजिए, अपने अपने कॉपी आपको शो करेंगे। तो मैं भी कोशिश करता हूं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। हाँ बताइए भाई, एंगल किस वाले इंच पर बनेगा? दो इंच से बी सी, बी सी वेरी गुड, क्योंकि बी बीच में है तो एंगल बी वाले इंच पर बनेगा। चलिए अब ड्रा करिए सभी लोग, जिसका हो जाए वो बोले तो मैं अलाउ कर रहा हूँ वीडियो। सर मेरा हो गया। ओके तो सोमी शो कीजिए आप अपना एंगल आरएस। ठीक है आरएस, बस एंगल दिखाइए ज्यादा नहीं, अभी और दिमाग लगाने दीजिए सबको। ठीक है वेरी गुड। प्रतीक की कॉपी देख लेते हैं। अच्छा यशोदेव, वेरी गुड यशोदेव ने बना लिया। प्रतीक की कॉपी है ही कंप्लीट, ये दिखा रहे हैं। ठीक आर्यांश, आर्यांश की कॉपी ठीक है वेरी गुड। और लोग कौन है भाई, हु वांट्स टू शो हिज कॉपी? तन्मय, तन्मय जी ने भी कर दिया है काम वेरी गुड। और कौन है नेक्स्ट वन, हु विल शो हिज कॉपी? इज रिया, रिया वांट्स टू शो, वेरी गुड रिया। प्रदीप देव पांडे आईडी से, बहुत अच्छे वेरी गुड। ये चलिए मतलब आप लोग आप एंगल तो अच्छे से ड्रा कर ही। चलिए तो मैं भी 105 डिग्री ड्रा कर देता हूँ जल्दी से। बी वाले वर्टेक्स पर हमको ड्रा करना है, इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट है ये जो इंडिकेशन, इसको बी वर्टेक्स पर ऐसे रख दो। ठीक बी वर्टेक्स पर रख दियो बेटा। अब ये लाइन भी ओवरलैप हो गई। अब इसके बाद इस साइड से तो काउंट करेंगे नहीं, दूसरे वाले एंड की तरफ से जीरो काउंट करेंगे। तो जीरो से काउंट करते आएंगे तो देखिए 100 110, 100 और 110 के बीच में आएगा 100। सब मेरा, सब मेरा। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ये आ गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। ये एंगल हम लोग का बन गया 105 डिग्री का। इसका नेम दे दें, एक नेम बन गया लेटर ए। अब ए बी सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब कह रहे हैं इसके बीच में कहीं पॉइंट लेना है, तो इसके बीच में कहीं पॉइंट मैं मान लीजिए यहां ले लेता हूं, इसका नाम दे दिया डी पॉइंट। और कह रहा है कि आप कहीं भी ले सकते हैं, इंटीरियर का मतलब इस एंगल पे जो रीजन है यहां से यहां तक, इसके बीच में आप कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट। तो मैंने डी पॉइंट डाल दिया। अब डी को डी से ज्वाइन करें, अब कह रहा है कि इस एंगल जो 105 एंगल था इसके दो पार्ट बन गए, एक इधर और एक एंगल इधर बन गया। दो पॉइंट बन रहे हैं, दिख रहा है सबको? 2 पार्ट्स बन रहे हैं भाई? यस सर, यस सर। तो अब इनकी वैल्यू को मेजर करना, सबसे पहले तो इस एंगल का नाम कोई मुझे बताए, इस एंगल का नाम क्या होगा? डी बी सी एंगल, डी बी सी एंगल, डी बी सी। सभी लोग
उस गैप के लिए मैंने माइक म्यूट कर दिया, सभी लोग एक साथ बोल रहे थे तो शोर हो रहा था। बेटे एंगल का नाम कितना सिखाया गया था आपको अभी मैंने बताया कि एक वर्टेक्स होता है और टू आर्म्स होते हैं। देखिए एक आर्म ये है एक आर्म ये है और ये वर्टेक्स है। तो अगर यहाँ पी है यहाँ क्यू है और यहाँ आर है तो वर्टेक्स एंगल लिखते समय हमेशा बीच में रहता है। पी सेंटर का नाम क्या हो गया, क्यू बीच में हो गया, पी एक किनारे आर दूसरे किनारे। ठीक, तो इसी तरह अगर यहाँ देखें तो वर्टेक्स तो बी ही है लेकिन आर्म अब एक डी वाली लाइन है और एक सी वाली लाइन है, ये दो आर्म है। तो हम एंगल का बीच में वर्टेक्स लिखेंगे और एक साइड पे आर्म का लेटर डी और एक साइड का ये सी, इसकी वैल्यू हम पता करेंगे। और एक दूसरा एंगल ये वाला जो बन रहा है इसका नाम देखिए, वर्टेक्स तो बी ही है लेकिन आर्म एक डी वाला है और एक ए वाला, इन दोनों आर्म के बीच में बन रहा है एंगल। तो हम ले लेंगे एंगल ए बी डी, देखिए बी बीच में आया जहां एंगल बन रहा था और आर्म का ए और डी आ गया किनारे किनारे। इसी तरह इस वाले केस में बी वर्टेक्स था तो ये आ गया बीच में बी और किनारे किनारे सी और डी को हमने नोट कर दिया, सही है। अभी मैं ऑन कर रहा हूँ माइक आपका, अनम्यूट कर रहा हूँ। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको होमवर्क दिया गया है, मेजर ईच एंगल ऑफ दिस फिगर विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल, यू शुड सॉल्व इट एट योर होम। थैंक यू।